मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से भारतीय जनता पार्टी का सियासी दामन छोड़ा है उसके बाद से ही बीजेपी में एक सियासी बेचैनी नजर आती है। जैसे ही नीतीश कुमार ने गठबंधन का दामन थामा उसके फौरन बाद जो अमित शाह हैं भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं वो बिहार कई बार आ चुके हैं। हाल ही में वो मधुबनी के जयनगर में रैली कर चुके हैं। लेकिन अब जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा वो 5 अक्टूबर को बिहार आ रहे हैं और उनके आने का जो मकसद है वो समझिए कि सियासी तौर पर बहुत बड़ा माना जा रहा है क्योंकि जेपी नड्डा एक प्लान के तहत आ रहे हैं और वो बिहार आकर के क्या कुछ करने वाले हैं ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जब से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा और गठबंधन की सरकार बिहार में बन गई उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आक्रामक रूप में है। उनके नेता विपक्ष लगातार सरकार को हर रोज घेरते नजर आते हैं कई सारे मुद्दे पर कई सारे इश्यूज को लेकर के बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खासतौर से गठबंधन की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। उसके बाद जो है अमित शाह का जो दौरा है बिहार वो कई बार हुआ, कई बार वो बिहार आ चुके हैं लेकिन अब जेपी नड्डा को अमित शाह भेज रहे हैं और उनसे शायद कहा यह जा रहा है कि आप जाकर के पार्टी को मजबूत कीजिए, जमीनी स्तर पर नेताओं से मुलाकात कीजिए। लेकिन जेपी नड्डा इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के जो कुछ नेता हैं वो इस वक्त नाराज चल रहे हैं। पार्टी में कई तरह की बातें हुई हैं, कई तरह की बातें हुआ करती हैं कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो नाराज होते हैं छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार कर करके जेपी नड्डा लेकर के आ रहे हैं और उन नेताओं को मना मनोवल का जो दौर है वो जेपी नड्डा के जिम्मे है। वो आएंगे, ऐसे नेताओं को बुलाएंगे, उसकी लिस्ट तैयार की गई है कि जो नाराज हो गए बीजेपी के किसी पॉलिसी से, बीजेपी के किसी फैसले से, पार्टी के किसी प्रोग्राम में न बुलाने की वजह से, ऐसे नेताओं को जेपी नड्डा इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद उनसे बातचीत करेंगे कि फैसला आखिरकार क्या होना चाहिए, आप अपना मशवरा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नीतीश कुमार के लिए बिहार में चैलेंज साबित हो सके। लोकसभा में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास 16 से 17 सीटें हैं और पिछला जो चुनाव रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए, लेकिन इस बार स्थिति पलट गई हुई है। जेडीयू बीजेपी के साथ है नहीं और नीतीश कुमार और आरजेडी जिस तरह से आक्रामक रुख अपना रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को एक सियासी चैलेंज है। उसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए जेपी नड्डा आ रहे हैं, लिस्ट बनाई गई है, जो नेता नाराज हैं उन्हें बुलाया जाएगा और बुला करके समझाया जा सकता है। कुछ बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े ओहदे जो हैं वो उन्हें ऑफर किए जा सकते हैं कि आप ये जिम्मेदारी संभालिए, आप ये जिम्मेदारी संभालिए। तो इन्हीं सारे मामलों को लेकर के जो पुराने चाणक्य हैं अमित शाह जी वो नए चाणक्य यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बिहार भेज रहे हैं और 5 अक्टूबर को उनके बिहार का प्रोग्राम रखा गया है। गतिविधियां तेज हो गई है, सभी नेता जेपी नड्डा से मुलाकात और अपनी शिकायत जो है वो सब लेकर के मुलाकात कर सकते हैं। जेपी नड्डा उस पूरे मामले पर एक साथ सरजोर कर बैठेंगे और मामला को हल करने की कोशिश की जाएगी।